बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा ही हीरो का दबदबा रहता है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो एक्टिंग में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और फिल्मों में मुख्य हीरो पर भारी पड़ते हैं, फिर चाहे उनका किरदार हिजड़े का क्यों ना हो। हिंदी फिल्मों में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में हिजड़े की भूमिका निभाकर हीरो को तगड़ी टक्कर दी है और लोगों की खूब तारीफें बटोरी है। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे 10 एक्टरों की जिन्होंने अपनी इमेज की परवाह ना करते हुए फिल्मों में किन्नर यानी हिजड़े का किरदार निभाया है और दर्शकों की खूब तारीफें बटोरी है। कौन है ये एक्टर और कौन सी थी वो फिल्में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, सदाशिव अमरापुरकर। स्वर्गीय सदाशिव अमरापुरकर जी का नाम आज लेजेंड एक्टरों में गिना जाता है। अपनी फिल्मी करियर में सदाशिव जी ने कई बेहतरीन फिल्में इंडियन सिनेमा को दी है। फिल्मों में किसी भी किरदार में सदाशिव जी फिट हो जाते थे, चाहे वो किरदार विलन का हो, कॉमेडियन का हो या फिर किसी हिजड़े का हो। सदाशिव जी अपने किरदार को पर्दे पर 100% न्याय देते थे और ऐसा ही एक किरदार उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म सड़क में निभाया था। सदाशिव अमरापुरकर जी ने सड़क फिल्म में महारानी नाम के खिजड़े का किरदार निभाया था। इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर जी की एक्टिंग और रूप देखकर थिएटर में बैठे दर्शक भी डरने लगे थे। सड़क फिल्म साल 1991 की सुपरहिट फिल्म थी। सदाशिव जी के इस किरदार के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के विलन के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सड़क फिल्म को महेश भट्ट सर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक तिजोरी और सदाशिव अमरापुरकर जी नजर आए थे। नंबर 2, परेश रावल। परेश रावल आज इंडियन सिनेमा के वो एक्टर बन चुके हैं जिन्हें कोई भी किरदार दिया जाए वो उसे बड़े ही आसानी से निभा लेते हैं, इसीलिए उनका नाम बेस्ट एक्टरों में गिना जाता है। अपने फिल्मी करियर में परेश सर ने कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई है और उन्हीं में से उनकी एक अलग भूमिका थी साल 1998 में आई फिल्म तमन्ना के टीकू अली सैयद की। तमन्ना फिल्म में परेश रावल एक हिजड़े के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे हिजड़े की होती है जिसे कचरे के डिब्बे में एक छोटी लड़की मिलती है और वो हिजड़ा उस लड़की को पालता है। इस फिल्म को डायरेक्ट महेश भट्ट जी ने किया था और इस फिल्म में हमें परेश रावल, पूजा भट्ट और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। परेश रावल के इस किरदार की लोगों ने खूब तारीफें की थी और तमन्ना फिल्म को नेशनल अवार्ड से बेस्ट फिल्म से नवाजा गया था। नंबर 3, प्रशांत नारायण। प्रशांत नारायण का नाम आज अंडररेटेड एक्टरों में गिना जाता है, लेकिन जिस किसी फिल्म में हमें प्रशांत नारायण नजर आते हैं तो उनका बेहतरीन अभिनय हमें याद रहता है। वैसे ही साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 में प्रशांत नारायण के अभिनय ने सभी को चौंका दिया था। प्रशांत नारायण मर्डर 2 में हमें खिजड़े के किरदार में नजर आए थे। मर्डर 2 एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें प्रशांत नारायण विलन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में प्रशांत नारायण ने जो एक्टिंग की है उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट मोहित सूरी ने किया था और इस फिल्म में हमें इमरान हाशमी, जैकलिन फर्नांडिस और प्रशांत नारायण मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नंबर 4, सौरभ शुक्ला। वैसे तो सौरभ शुक्ला हमें फिल्मों में कॉमेडियन या कभी कभार विलन के किरदार में नजर आते हैं। फिल्मों में उनकी प्रेजेंस हमें दिखाई देती है। अपने अलग अभिनय के लिए सौरभ जाने जाते हैं, फिर वह किरदार सत्या फिल्म के कल्लू मामा का हो या फिर जॉली LLB के जज का। सौरभ शुक्ला अपने बेहतरीन अभिनय से अपने किरदार में जान डाल देते हैं और ऐसा ही एक किरदार उन्होंने साल 2008 में आई फिल्म तेरा क्या होगा जॉनी में निभाया था। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला हमें हिजड़े के किरदार में नजर आए थे। तेरा क्या होगा जॉनी फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में हमें के मेनन, नील नितिन मुकेश, सोहा अली खान और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नंबर 5, आशुतोष राणा। आशुतोष राणा का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्हें कोई भी किरदार दिया जाए उस किरदार में वो जान डाल देते हैं। वैसे ही साल 2005 में आई फिल्म शबनम मौसी में आशुतोष राणा ने एक हिजड़े की भूमिका निभाकर
उस किरदार में जान डाल दी थी। शबनम मौसी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे हिजड़े की होती है जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है और एक नेता बनता है। शबनम मौसी फिल्म को योगेश भरद्वाज ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में हमें आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी और रश्मि देसाई मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नंबर 6, शरद केड़कर। बाहुबली फिल्म में प्रभास की हिंदी आवाज बनकर शरद केड़कर सबकी नजरों में आए और उन्हें बॉलीवुड और टॉलीवुड से कई अलग अलग किरदार ऑफर होने लगे। उनके द्वारा निभाए गए तानाजी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के किरदार ने उन्होंने सबका दिल जीत लिया था और इसी वजह से शरद केड़कर जी की एक्टिंग देखकर साउथ फिल्मों के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने उन्हें साल 2020 में आई उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए साइन कर लिया था। लक्ष्मी फिल्म में शरद केड़कर का किरदार एक हिजड़े का था। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड एक्टर थे, पर इस फिल्म में निभाए गए शरद केड़कर के हिजड़े के किरदार की सभी ने तारीफें की थी। नंबर 7, अतुल कुलकर्णी। अतुल कुलकर्णी का नाम फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड एक्टरों में गिना जाता है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ अतुल कुलकर्णी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अतुल कुलकर्णी अपने फिल्मों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं, इसीलिए उनके किसी भी फिल्म का किरदार दर्शकों के जहन में रहता है। ऐसा ही एक किरदार अतुल कुलकर्णी ने साल 2009 में आई मराठी फिल्म नटरंग में निभाया था। अतुल कुलकर्णी इस फिल्म में लावनी करने के लिए एक पहलवान से एक हिजड़े के किरदार में कैसे ढलते हैं, ये दिखाया गया है। इस फिल्म में अतुल कुलकर्णी की एक्टिंग देखकर सभी हैरान रह गए थे। नंबर 8, विजय राज। कौवा बिरयानी के नाम से फेमस हुए विजय राज फिल्मों में अपने छोटे से किरदार में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, फिर चाहे वो किरदार धमाल फिल्म के अनाउंसर का क्यों ना हो। विजय राज का नाम उन एक्टरों में आता है जिनके सामने अच्छे अच्छे एक्टर भी बोने से लगते हैं। विजय राज सर ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसी यादगार भूमिकाएं निभाई है जो याद करने लायक है, और ऐसी ही एक भूमिका उन्होंने हाल ही में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाई है, जिसमें वो एक हिजड़े के किरदार में हमें नजर आए हैं। विजय राज के इस किरदार के लिए सभी ने तारीफें की है। नंबर 9, रवि किशन। भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रवि किशन आज बॉलीवुड के और टॉलीवुड के बिजी एक्टर है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है जिसकी लोगों ने काफी तारीफें की है। रवि किशन भी उन्हीं एक्टरों में आते हैं जो अपने किरदार के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही एक किरदार उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म बुलेट राजा में निभाया था। बुलेट राजा में रवि किशन एक हिजड़े के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, मगर रवि किशन के इस किरदार की सभी ने तारीफें की थी। नंबर 10, महेश मांजरेकर। डायरेक्टर, एक्टर और राइटर महेश मांजरेकर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा का जाना माना नाम है। महेश मांजरेकर जितनी अच्छी फिल्में बनाते हैं उतनी ही अच्छी फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें बड़े एक्टर होने के बावजूद महेश सर का किरदार सभी को याद रहता है, और ऐसा ही एक किरदार उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म रज्जो में निभाया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कंगना रनावत थी, पर लोगों का ध्यान महेश मांजरेकर जी ने इस फिल्म में हिजड़ा बनकर अपने तरफ खींचा था। इस फिल्म को विश्वास पाटिल सर ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, पर महेश मांजरेकर के बेगम वाले किरदार की लोगों ने खूब तारीफें की थी। तो ये थे बॉलीवुड के 10 एक्टर जिन्होंने फिल्मों में हिजड़े का किरदार निभाकर लोगों की खूब तारीफें लूटी। आप लोगों को इन एक्टरों में से किस एक्टर की एक्टिंग अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सिनेमा से जुड़ी वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।